ओम नमः शिवाय। ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वदनम उर्वारुक्मिबंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। शिव जीवन का स्टार्ट, शिव ही जीवन का अंत। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, हम बोलते हैं ऐसी कृपा हो शंकर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबा पर जब प्राण तन से निकले। तो शिव का महिमा का गुणगान, शिव की भक्ति, सावन का महीना। आशा करता हूँ आप लोग शिव की भक्ति में लीन होंगे, आपने मेरे बताए हुए लास्ट वीक के उपायों को फॉलो किया होगा, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा सभी जातकों के, डिफरेंट राशियों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, शुभ रत्न है मूंगा, शुभ दाश है तीन मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। यह सप्ताह आर्थिक व प्रोफेशनल रूप से आपके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम लेकर आएगा। खुशियाँ, हर्ष, उल्लास से परिपूर्ण रहने वाला है। आपको अपनी ताकत को अच्छे और उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाने का प्रयास करना है। यदि जातक विवाहित है तो इस सप्ताह शादीशुदा जोड़े और प्रेमी युगल वैवाहिक व प्रेम जीवन में रोमांच से भरपूर पलों का आनंद ले पाएंगे। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलेगी। घर में खुशियाँ, शांति बरकरार रहेंगी। सप्ताह विद्यार्थियों के हिसाब से आगे की योजना बनाने के लिए शुभ है। नतीजों की चिंता किए बिना मेहनत करें, कामयाबी आपके साथ रहेगी। पढ़ते समय एकाग्रता बनाकर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा। आपको अपनी माता जी की सेहत का ख्याल रखना है। सप्ताह को देखा जाए तो जैसे सप्ताह की एक अच्छा सप्ताह है, सप्ताह को कैसे और अच्छा बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आप पास के मंदिर में मिठाई का दान करें। हनुमान जी को स्पेसिफिकली मंडे, ट्यूसडे और शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जब भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं तो एक लाल रुमाल अपने साथ रखें। गायत्री मंत्र का पाठ रेगुलरली करें। भाइयों के साथ आदर सम्मान से अपना समय व्यतीत करें। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपको वटवृक्ष की जड़ों पर अगर मीठा दूध चढ़ाते हैं तो ये भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। चिड़ियों पक्षियों को आप दाना डालें। रात को सोते समय सिर के पास आप इस फटिक के बॉल में पानी रखें और सुबह उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। ये भी आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ दाश है छह मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। सफलता कदम चूमेगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। इस सप्ताह छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे की योजना बनाने के लिए समय शुभ है। सप्ताह प्रेम संबंधों के हिसाब से बेहद अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। घर में किसी से अनबन हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। किसी सामाजिक कार्यक्रम या यात्रा पर जाना भी हो सकता है। किसी मेहमान के भी आने की संभावना है। सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा। यदि पुरानी कोई स्वास्थ्य की पीड़ा है तो इस सप्ताह वो समाप्त होंगी। हालांकि भाई बहनों की या पिताजी की सेहत में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को कैसे और अच्छा बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए माता जी की आपकी अहम भूमिका रहेगी। आप किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य पर जाने से पहले माता का आशीर्वाद लें, उनको खीर का भोग लगा के खिलाएं। स्पेसिफिकली फॉर फ्राइडे और मंडे ये लाभकारी रहेगा। दही से स्नान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सौंफ, शहद, खांड आदि का मंदिर में दान करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहेगा। काली कलर की या लाल कलर की गाय की सेवा करना और उसको खिलाना, भोजन खिलाना, ये भी इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह को, आने वाले सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रत्न है पन्ना, शुभ दाश है चार मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह भाग्य पूरी तरीके से इस राशि के जातकों के साथ है। आपको हर कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। लाभ मिलने के भी शुभ योग हैं। आमदनी में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए शुभकारी साबित हो सकता है। इस सप्ताह छात्रों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। समय आगे की योजना बनाने के हिसाब से शुभ है। एकाग्रता बनाकर मेहनत करनी है। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, परंतु आपको उनके साथ सामंजस्य, घर वालों के साथ सामंजस्य बना के रखना है। आपको अपनी वाणी पर संयम बना के रखना है। साथी से बात करते रहें। इस सप्ताह, पूरे सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि किसी मंदिर में दूध और चावल का दान करें।
आपको चाहिए खाने से पहले मॉर्निंग में आप तीसरी रोटी, जैसे हम पहली बार हमेशा बोलता हूँ कि पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी कौवे की, यदि आप तीसरी रोटी कौवे को खिलाते हैं तो आपके इस सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। पक्षियों को दाना डालना इस सप्ताह आपके लिए शुभकारी रहेगा। बंदरों को गुड़ का दान करना, शाकाहारी बन के रहना है, आपको मांस मदिरा से दूर रहना है। आपको चाहिए कि चांदी के गिलास में हर रोज़ आप पानी भर के पिएं और सोने चांदी के आभूषणों को आप धारण करें, ये आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि को स्वामी चंद्रमा, शुभ रत्न है मोती, शुभ रुद्राक्ष है दोमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, आय में इजाफा होना संभव है, प्रमोशन, अच्छी जॉब, वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ के भी योग दिखाई देते हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक मुद्दों को लेकर की गई यात्राएं जो है इस सप्ताह आपके लिए सफल रहेंगी। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे इस सप्ताह, विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आर्थिक व कैरियर संबंधित जीवन के लिए कुछ योजनाओं को आप इस सप्ताह रूप देंगे। गृहस्थ जीवन के हिसाब से सप्ताह अच्छा है, आपसी तालमेल और सहयोग बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जीवन के लिए सप्ताह काफ़ी शानदार साबित होगा, परंतु परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के हिसाब से सप्ताह अनुकूल रहेगा, सेहत से कुछ जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो सप्ताह देखा जाए तो एक बिलो एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आपको इस सप्ताह पूरे सप्ताह हरे रंग से दूर रहना है। बटुए में आपको चांदी के कुछ चौकोर टुकड़े रखने हैं, घर की अलमीरा जिसमें आप कैश बॉक्स है जिसमें आप कैश रखते हैं उसमें चांदी का टुकड़ा रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी संभव हो सके काली गाय को आप कुछ फीड करें, माता का आशीर्वाद लेके हर कार्य के लिए जाएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो माता का आशीर्वाद लेके जरूर निकलें। चांदी और चावल का दान करना मंदिरों में इस सप्ताह आपके सप्ताह को अच्छा बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, शुभ रत्न है माणिक, शुभ दिशा शुभ रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पूरब की दिशा। इस सप्ताह किस्मत इस राशि के जातकों के साथ नहीं है। नौकरी पेशा लोग अधिक कार्य के चलते व्यस्त रहेंगे। बिजनेस में कुछ भी नुकसान भी हो सकता है। खर्च में वृद्धि की संभावना है। निवेश करने के हिसाब से सप्ताह अच्छा नहीं है। आपको जोखिम भरे निवेश करने से बचना है, फालतू खर्च करने से बचना है। इस सप्ताह लव लाइफ आपकी रोमांस से भरपूर रहेगी। आप अपने प्यार के लिए कुछ रोमांटिक ज़्यादा ही साबित होंगे। परिवार के साथ आप अच्छे पलों को व्यतीत करने वाले हैं। इस सप्ताह छात्रों को पढ़ाई में मन कम लगेगा। पढ़ाई में कड़ी मेहनत करेंगे तो बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय आपको काफ़ी बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि उगते हुए सूर्य की उपासना करें। नित्य आप कॉपर के लोटे से आप सूर्य को जल अर्पित करें। उसमें आप अगर पीले रंग के फूल या चंदन या अर्क मिला के 11 बार सूर्य को ओम भास्कर नमः मंत्र के साथ नमस्कार करते हैं तो आपके सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। तुलसी के पौधे पर शाम को आपको चाहिए कि दीपक जलाएं। रविवार को आपको गाय को सूर्य के समान रोटी बनाकर अपने हाथों से खिलाएं। ये भी आपके सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। मांस मदिरा शराब को आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको चाहिए कि आप बस यात्रियों, ट्रेन यात्रियों को आप मुफ्त जल की सेवा दें। शनि आपको चाहिए कि रविवार के दिन आप यदि बिना नमक का भोजन करें और यदि आप सूर्य का हवन या जाप भी करें तो आपके सप्ताह को आप अच्छा सप्ताह बनाने में दोनों ये उपाय मददगार साबित होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, शुभ रत्न है पन्ना, शुभ रुद्राक्ष चारमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर की दिशा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सक्रियता के बेहतर परिणाम मिलेंगे। निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यही निवेश आगे चलकर आपको अच्छा फायदा देने वाला है। आपको कहीं से अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। कोई रुका हुआ धन, पैसा, कोई पुरानी वस्तु, कोई भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। छात्रों के लिए कैरियर के लिहाज से सप्ताह नॉर्मल रहेगा। पढ़ते समय आपको एकाग्रता बनाए रखना है। इस सप्ताह आप थोड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे, बिगड़े हुए रिश्ते सुधार सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक संबंधों में प्रागृता आएगी। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको बेकार की झगड़ों और बेकार की बातों से बचना है। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह पूरी तरीके से ठीक रहेगा और यदि लोग कोई पुराने टाइम से बीमार चले आ रहे हैं तो इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। तो सप्ताह देखा जाए तो एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा कैसे बना सकते हैं जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शाकाहारी रहें, मांस मदिरा से और नॉनवेज से आपको दूर रहना है।
मंदिर में दूध और चावल का दान करना है, बंदरों को गुड़ खिलाना है, कौए को रोटी खिलाना, रोज़ चांदी के गिलास से जल पीना, पक्षियों को दाना डालना, सोने चांदी के आभूषणों को धारण करना इस राशि के जातकों को अपने आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के समय है शुक्र, शुभ दान है हीरा, शुभ दशा छह मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। सप्ताह भाग्य आपके साथ है, काम का बोझ अधिक रहेगा परंतु कार्य क्षेत्र में लाभ होने से मन प्रसन्नचित रहेगा। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। करियर के हिसाब से सप्ताह शानदार रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। निजी जीवन, दाम्पत्य व लव लाइफ में जीवनसाथी के साथ मधुरता बनेगी। रोमांस का आनंद मिलेगा। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी सदस्य का स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, आपको अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने की भी संभावना है। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते से कुछ उपाय। माता का आशीर्वाद लेके जाना, उनको खीर का भोग लगाना फ्राइडे को स्पेसिफिकली एंड मंडे को, और दही से स्नान करना डेली बेसिस पे। शहद, गुड़, सौंफ, खांड आदि का दान करना मंदिर में। जीवन साथिनी का सम्मान करना। लाल और काली गाय को पालना या उनकी सेवा करना इस राशि के जातकों के लिए आगे आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, शुभ्रता ने मूंगा, शुभ रुद्राक्ष तीन मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। धन संबंधी मामलों में बेहद ही लाभकारी और शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम से आपको शुभ परिणाम मिलने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। छात्रों के लिए सप्ताह बेहतरीन सप्ताह रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कामयाबी आपके साथ रहेगी। पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता आएगी। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से सप्ताह अच्छा सप्ताह है। आपका स्वास्थ्य पूर्ण तरीके से ठीक रहेगा, परंतु आपको वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर पर किसी धार्मिक और मांगलिक प्रसंग का भी आयोजन हो सकता है। किसी मेहमान के भी आने की संभावना व्यतीत होती है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते से कुछ उपाय। आपको चाहिए कि पास के मंदिर में आपको मिठाई का दान करें। लाल रुमाल अपने साथ रखें हमेशा। सर के पास पानी रखकर एक किसी स्फटिक के बॉल में और उसे सुबह किसी पेड़ पर चढ़ाएं। मंदिर में दूध, गुड़, चावल का दान करें। आपको मीठा खाएं और मेहमान का भी जो अतिथि सत्कार है वो मीठे जल से ही कराएं। ये भी आपके सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। हनुमान जी को चोला चढ़ाना स्पेसिफिकली ऑन ट्यूसडे एंड शनिवार के दिन, और बजरंग बाण का पाठ करना ये भी इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। धनुराशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रतन है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पांच मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य आपके साथ है। कारोबार में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सुधार देखने को मिलेगा। कहीं से अचानक से अप्रत्याशित लाभ मिलने का भी योग बनते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। समय आपके अनुकूल है। किसी नई जॉब का ऑफर आ सकता है। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे। घर में सुख शांति के भी योग हैं। पारिवारिक संबंधों में प्रागढ़ता रहेगी। रिश्ते सुलझाने व पुराने दिनों का आनंद लेने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा, परंतु भाई बहनों का स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी मेहमान के भी आने की सप्ताह संभावना है। तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को कैसे और अच्छा सप्ताह बना सकते हैं जानते से कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आपको पीले कलर के कपड़ों पर फोकस करना है। माथे पर चंदन या हल्दी का टीका लगाएं। वृद्धों और अनाथालय में आपको केले और मिठाई का दान करें। सोने के गहनों पर अधिक फोकस करें। आपको नॉनवेज से दूर रहना है। आपको अल्कोहल से दूर रहना है। किसी भी नए काम को, नए प्रोजेक्ट पे जाने से पहले या मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है और मंदिर में हल्दी का दान करना है। तो आपके आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय मददगार साबित होंगे। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, शुभदान है नीलम, शुभ रुद्राक्ष छह सात मुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ और सम्मान मिलेगा। अधिकारियों द्वारा आपका कार्य क्षेत्र में प्रशंसा भी मिलेगी। निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्र भी इस सप्ताह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से सप्ताह एक अच्छा सप्ताह रहेगा।
सेहत ताजगी से परिपूर्ण रहेगी। पुराने दिनों से चली आ रही बीमारी से आपको आराम मिलेगा। पुराने दोस्तों से भी इस सप्ताह मुलाकात की संभावना है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, अध्यात्म की तरफ आपका रुचि बढ़ सकती है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आपको बंदरों की सेवा, केले के पेड़ पर दूध चढ़ाना स्पेसिफिकली ऑन सैटरडे, ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे। कुत्ते की आपको सेवा करनी चाहिए, हो सके तो, संभव हो सके तो काले कुत्ते को आप घर में पालें, उसको वेज साइट पर ही रखें, मतलब उसको नॉन वेज भोजन नहीं कराना है। गाय बैल को दूध चावल खिलाना आपके लिए शुभकारी रहेगा। चांदी का आयताकार टुकड़ा जमीन में दबाना चाहिए इस राशि के जातकों को, तो ये शनि के नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट को दूर करता है। आपको चाहिए कि अन्नों को भोजन कराएं और शराब मदिरा झूठ बोलने से आपको परहेज करना है। तो ये उपाय इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, शुभदान है नीलम, शुभ दाश है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अधिक बोझ रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कई अच्छे नए अवसर मिलने से तरक्की की संभावना है। शेयर मार्केट या नई प्रॉपर्टी खरीदने से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के हिसाब से समय ठीक है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों की मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में अमन चैन बढ़ेगा। मांगलिक कार्यों में आपका संबंध होने से आपके घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभव है, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। नए लोगों से इस सप्ताह मुलाकात हो सकती है। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। चाहिए तो आपको हर ट्यूसडे और शनिवार के दिन आप बंदरों को केलों का दान करें, बेघर लोगों को जूतों का दान करें, पुराने पहने हुए कपड़े स्पेसिफिकली यदि काले कलर के कपड़े हैं उनको धोकर आप अपने गरीबों को दें, या फिर नए कपड़े या फिर नए काले वस्त्रों का भी दान इस सप्ताह आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चांदी की गेंदों को खरीदें, अपने बैग और हैंडबैग या फिर अपने पर्स में रखें, यह भी आपके लिए शुभकारी रहेगा। आपको चाहिए कि शाकाहारी बने, मांस मदिरा अल्कोहल से आपको दूर रहना है, झूठ बोलने से बचना है, गहरे कलर के कपड़ों पर फोकस रखना है, अंधे लोगों की सहायता करें। ये आपके सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में ये उपाय मददगार साबित होंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु, शुभ रत्न है पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पांचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह समय आपके अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कारोबार में भी आपके इजाफा होगा। निवेश करना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। यही निवेश आपको आगे चलकर अधिक फायदा दे सकता है। लंबी दूरी की यात्रा या विदेशागमन से भी आपको लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। इस सप्ताह छात्रों को आसानी से सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की इस सप्ताह यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रबल संभावना है। यदि आप मैरिड हैं तो आप इस सप्ताह रोमांटिक मूड में रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपके बिगड़े हुए रिश्ते और मधुर होंगे। परिवार में सब कुछ मंगलमय रहेगा, शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको बेपरवाह नहीं बनना है। पुरानी बीमारी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। पिताजी माताजी की सेहत में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। चोट लगने की संभावना है, इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय सतर्कता बरतनी है। सेहत का आपको अपने ख्याल रखना है। अध्यात्म की तरफ आपका जुड़ाव बढ़ सकता है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को कैसे और अच्छा सप्ताह बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि माता दुर्गा की आराधना करके भोग लगाएं, आशीर्वाद लेके उनके मंगल पाठ करके उनका कवच पढ़ के आप किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जाएं। पीले कलर पर फोकस करें। मुर्गों का दाना देना, साधु पंडितों को दान वस्त्रों का दान देना इस राशि के जातकों के लिए शुभकारी रहेगा। घी आलू कपूर का भी मंदिर में दान करना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। शराब मदिरा नॉनवेज से आपको परहेज करना है। धार्मिक स्थल पर आपको बादाम का दान करना, माथे पर केसरिया तिलक लगाना और सोने के आभूषणों का धारण करना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैं हर वीक बताता हूँ कि ये सब उपाय, हो सकता है कि आप सारे उपाय कर पाएँ, हो सकता है कि आप उसमें से कुछ उपाय करें। जीवन के अंदर जब तक जीवन है सुख और दुख आते रहेंगे। सुख और दुख से आपको भयभीत नहीं होना है। सुख में अपने आप को महान समझना और दुख में अपने आप को सबसे व्याकुलित समझना, दोनों ही स्थितियां गंभीर स्थितियां हैं। दोनों स्थितियों से आपको बचना है। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा चाहिए कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को
नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव मैलेफिक इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट से बचा सकती है। उन पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो कैटलिस्ट हैं ये वो उपाय हैं, जिसमें रुद्राक्ष थेरेपी, जैम थेरेपी, स्टोन थेरेपी, बाकी आपके दान दक्षिणा, लोगों के प्रति आपके अच्छे विचार, ये एक तरीके के कैटलिस्ट हैं जो आपको किसी भी आने वाले डिफ़िकल्ट समय से बचा सकते हैं। डिफ़िकल्ट समय हर किसी इंसान की लाइफ में आएगा, उसको कैसे लेना है, उनके क्या उपाय करने हैं, यही उपाय हैं जो आपके जीवन को तार सकते हैं। तो इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा और शुभकारी रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।